नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एक तरफ जहां सारा देश 22 जनवरी को दीपावली मनाने का इंतजार कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस के चेहरे पर मातम नजर आ रहा है। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने का निमंत्रण ठुकरा चुकी कांग्रेस के नेता रोजाना ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे सनातन धर्म में आस्था रखने वालों की भावनाएं आहत हो रही हैं। 22 जनवरी के कार्यक्रम का शुभ मुहूर्त काशी के पंडित ने निकाला। सारे देश से साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं ताकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग ले सकें। वेदों और शास्त्रों में उल्लिखित सभी नियमों का पालन करते हुए आज से अयोध्या में पूजन शुरू भी हो गया है, जो कि 22 जनवरी तक चलेगा। देश के शंकराचार्यों ने भी कार्यक्रम की सफलता के लिए अपना आशीर्वाद दे दिया है। यानी सब कुछ शास्त्र सम्मत तरीके से किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को बार बार यही लग रहा है कि यह RSS और BJP का कार्यक्रम है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS का कार्यक्रम बना दिया गया है, और यही कारण है कि पार्टी के प्रमुख नेताओं ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया है। यह बयान सामने आते ही साधु संतों ने कांग्रेस पर एक बार फिर पलटवार किया है। जहां तक राहुल गांधी के बयान की बात है, तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है, हम सभी धर्मों के साथ हैं। हिंदू धर्म से जुड़े सबसे प्रमुख लोगों ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं कि यह एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए हमारे लिए ऐसे किसी कार्यक्रम में जाना बहुत मुश्किल है जिसे प्रधानमंत्री और RSS के इर्द गिर्द तैयार किया गया है। हालांकि राहुल गांधी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो भी दर्शन के लिए जाना चाहता है वो जा सकता है। The 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function, and I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. वहीं राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अयोध्या स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजूदास ने कहा है कि दरअसल RSS और BJP के लोग कांग्रेस के 60 साल के बूढ़े नेता को कुर्सी पर बैठने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हर कार्यक्रम में उन्हें RSS और BJP नजर आती है। मैं निवेदन करता हूँ, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी है क्या कि उनको सपने में दिन रात RSS BJP, क्योंकि BJP वाले 60 साल के उस बूढ़े को कुर्सी पे बैठने नहीं दे रहे, उस बूढ़े को कुर्सी पे नहीं बैठने दे रहे, तो सपने में भी BJP आती है। इसके नाते राम जी का कार्य चल रहा है, राम जन्मभूमि का कार्य चल रहा है, इसमें भी उनको BJP ही दिखाई दे रही। नहीं, देखिए मैं पुनः निवेदन करूंगा, मैं राहुल बाबा से निवेदन करना चाहूंगा कि BJP का ही कार्यक्रम नहीं है, ये सनातनियों का कार्यक्रम है और हिंदुओं का कार्यक्रम है और यह राम भक्तों का कार्यक्रम है। उसमें लमसम देश के कोने कोने से खड़ दर्शन, एक नहीं क्या खड़ दर्शन, शंभू भेष समाज को मानने वाले, चाहे वो जैन समुदाय हो, चाहे वो सिख समुदाय हो, चाहे वो बौद्ध समुदाय हो, सारे समुदाय के संत धर्माचार्य महामंडलेश्वर के मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली खड़े किए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, वो देह 140 करोड़ देशवासियों के आयकान है और प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी शुरू से ही राम जन्मभूमि मंदिर के लिए लगे थे, राम जन्मभूमि मंदिर के लिए उन्होंने संघर्ष किया, राम जन्मभूमि की आवाज को उन्होंने उठाई और वो कह रहे थे धारा 370-35 खत्म हो और अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। इसके नाते हम लोग की हार्दिक इच्छा थी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए, उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया और वो आ रहे हैं। मुझको लगता है विपक्षियों को पेट में इसीलिए दर्द हो रहा है कि मंदिर का निर्माण में मोदी क्यों आ रहा है। नहीं, इसको कांग्रेस की इसलिए जरूरत है कि ये शुद्ध रूप से धर्मदंड है, ये गदा है हनुमान जी का और इनको गदा की अब जरूरत है। जो रामद्रोही, जो राम को काल्पनिक कहे, जो कहे भगवान राम मांसाहारी थे, जो ये कहे कि वहां मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, ये वहां से 4 किलोमीटर दूर निर्माण हो रहा है, ये उनके लिए गदा है जो साधु संतों को बोको हरम ISI तालिबान से जोड़ देते हैं। इनके लिए गदा है जो मोदी योगी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं, भारत माँ का विरोध करने लग जाते हैं, जो राम जन्मभूमि का विरोध करने लग जाते हैं, उनके लिए गदा है और गदा से इनकी बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी ये मानेंगे, नहीं तो नहीं मानने वाले। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।